रिजिजू के हाथ से मंत्रालय निकलने के बाद अब चर्चाएं ये शुरू हो गई कि क्या किरण रिजिजू पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत किरण रिजिजू से। जी हाँ, किरण रिजिजू का मंत्रालय जिस तरीके से चेंज किया गया उसके बाद माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में और भी कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। और इन्हीं फेरबदल में एक नाम स्मृति ईरानी का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जनता स्मृति ईरानी से भी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, जो स्थिति इस वक्त की दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताती है कि क्या मौजूदा वक्त के अंदर अगर किरण रिजिजू बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। हालांकि देखा जा रहा है कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि दक्षिण राज्य में एक बड़ी हार बीजेपी को मिलना और सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि लगातार जो सत्ता पक्ष है वो जमींदोज होता नजर आ रहा है। और देखिए, निर्मला सीतारमण का जिक्र कर लें, जो अभी हाल ही में ये कह रही थी कि हाँ महंगाई तो है और जनता भी इस बात को मानती है और हम भी मानते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में एक बगावत शुरू हो गई। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी हिंदू मुसलमान कार्ड खेल रही है, अगर ये कार्ड अगर वो ना खेले, इसके अलावा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इन पर काम करे तो ज्यादा फर्क होगा। 2014 में देखिए हिंदू मुसलमान, 19 में देखिए हिंदू मुसलमान, और अभी भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई, और इसका नुकसान इन्हें कर्नाटक में हुआ, दिल्ली में हुआ। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता और मंत्री जो सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या जो सरकार को समझा रहे हैं, उसमें देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो शायद जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि अब जो हाथ से बीजेपी के हाथ से काफी चीजें निकलती नजर आ रही हैं, और अगर ऐसा रहा तो शायद आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से पलट जाएगी। आने वाले वक्त में जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदलता नजर भी आएगा, और शायद अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो शायद किरण रिजिजू ही नहीं पार्टी से बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों का इस्तीफा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।